डिस्क्लेमर, तो ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैंने इस वीडियो में काफ़ी बार मिनिमम इन्वेस्टमेंट वर्ड का यूज़ किया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो प्रोडक्ट कितने का है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मेरा ये मतलब है कि आप मिनिमम नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स खरीद के कैसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड साउंड क्वालिटी अचीव कर सकते हैं, कैसे आप प्रोफेशनल म्यूजिक की तरह अपना म्यूजिक एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, मिक्स और मास्टर कर सकते हैं, इसका मतलब है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो आपको प्रोफेशनल स्टूडियो की जरूरत नहीं है, उसके बदले में आपको पहले क्या चीजें खरीदनी चाहिए वो इस वीडियो में बताया गया है। तो मैं फिर से एक बारी दोहरा देता हूँ, मिनिमम इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट कितने का खरीदा जाए, उसके लिए सबका बजट अपना होता है। आप एक छोटी सी चीज 5,000 से स्टार्ट होती है, आप 5,00,000 तक जा सकते हो, दैट इज योर पर्सनल बजट। आप अपने बजट में मार्केट में जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है वो खरीद सकते हैं। पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज कर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, मिक्स और मास्टर कर सकते हैं बिना एक प्रोफेशनल म्यूजिक स्टूडियो ओन किए हुए। तो विद दैट लेट्स हेड ऑन टू द वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ अपना एक अच्छे लेवल पे म्यूजिक प्रोडक्शन का करियर कैसे स्टार्ट करें और उसको कैसे सस्टेन करें। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, मैं हूं सर गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरी यूट्यूब वीडियो सीरीज का जिसका नाम है ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। और ये वीडियो सीरीज अगर आप नए हैं चैनल पे तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं कि इस वीडियो सीरीज के अंदर ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स और इनफैक्ट हर हफ्ते ऐसा नया टॉपिक आता है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है, जो एक काइंड ऑफ लगा लीजिए म्यूजिक इंडस्ट्री के सीक्रेट्स हैं जिसके बारे में लेबल्स जानते हैं बट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट नहीं जानते, और उनका जानना बहुत जरूरी है अगर आप म्यूजिक इंडस्ट्री में सस्टेन करना चाहते हैं तो। और जो ऑलरेडी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये चीज पता है, बट अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अब चलते हैं डायरेक्टली आज के टॉपिक पे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छे लेवल पे म्यूजिक प्रोडक्शन को कैसे स्टार्ट करें। अब ये मिनिमम बहुत सब्जेक्टिव वर्ड है, कई लोगों का मिनिमम 1,000 होता है, किसी का 5,000 मिनिमम हो सकता है, किसी का 10,000 हो सकता है, किसी का 50,000 हो सकता है, किसी का 60,000 हो सकता है, किसी का 1,00,000 भी हो सकता है, ये बहुत सब्जेक्टिव है। हर किसी का बजट इन्वेस्टमेंट का अलग होता है, पर एक बेसिक चीजें होती हैं जो आपको चाहिए होती हैं स्टार्ट करने के लिए अपना म्यूजिक प्रोडक्शन जर्नी। जैसे मैं अपना कोर्स भी प्रोवाइड करता हूं, तो जो मेरे कोर्स के स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे पूछते हैं सर कि अगर मैं आपसे कोर्स करता हूं या मैं आपसे कुछ सीखता हूं या म्यूजिक बनाना स्टार्ट करना चाहता हूं तो मुझे क्या क्या चीजें एटलीस्ट चाहिए। वो चीजें जो मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए होंगी, तो वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ये जानकर आप बहुत ज्यादा शॉक होंगे जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीजें आपको लगता है वो चाहिए लेकिन आपको वो नहीं चाहिए, आपको उनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको खुद से भी पता होगा, आपको एक चाहिए अच्छा सिस्टम, सिस्टम एज इन या तो एक लैपटॉप या तो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये दुनिया का बेस्ट होना चाहिए या बहुत ही ज्यादा बढ़िया होना चाहिए, बट एक डिसेंट लैपटॉप या एक डिसेंट कंप्यूटर की आपको जरूरत होगी जिसकी एटलीस्ट अभी के हिसाब से 2023 के हिसाब से कम 8 GB रैम हो, 16 GB हो तो बेटर, नहीं हो तो 8 GB ले लीजिए, ताकि 8 GB ले लीजिए जिसको आप आगे एक्सपैंड कर सके, फ्यूचर में अगर आपको नीड पड़े तो आप उसमें 8 GB के रैम और डलवा के उसको 16 कर सके। उसके बाद कम से कम 512 GB की हार्ड डिस्क होनी चाहिए उसके अंदर, अगर SSD हो तो बहुत ज़्यादा बेटर है, 256 GB की SSD होगी तो भी चलेगा, 512 की SSD होगी तो भी चलेगा, एक SSD होनी चाहिए और कम से कम 512 टोटल उसकी मेमोरी होनी चाहिए हार्ड डिस्क की, और 8 GB मिनिमम रैम होनी चाहिए। अगर i5 से कम है इसका प्रोसेसर, i3 है, तो एटलीस्ट 9th या 10th जनरेशन से ऊपर होना चाहिए, जितना जनरेशन बेटर होता है। जैसे मेरे हिसाब से i5 3rd जनरेशन से बेटर i3 12th जनरेशन है। ये प्रोसेसर आपका एक अच्छा क्वाड कोर प्रोसेसर होना चाहिए एटलीस्ट। ये तीन चीजें अगर आपके सिस्टम पे हैं तो आप म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ये हो गई हमारी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स, और इसके अंदर आपको एक डॉ चाहिए होगा, और डॉ को मैं इन्वेस्टमेंट में नहीं काउंट करता क्योंकि बहुत सारे फ्री वर्जन्स अलग अलग डॉ के अवेलेबल हैं, जरूरी नहीं है कि आप डॉ खरीद लें और उसके बाद सीखें। FL Studio का फ्री वर्जन अवेलेबल है, Ableton Lite अवेलेबल होता है, और Logic Pro का आई डोंट थिंक सो इफ देयर इज अ फ्री वर्जन, बट बहुत सारे अलग अलग और भी डॉज हैं जिनका फ्री वर्जन अवेलेबल है। डॉ के फ्री वर्जन डाउनलोड करके अपनी लर्निंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद हम आगे चलते हैं सेकंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट पे, और यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग शॉक होते हैं। काफी लोगों को लगता है कि उन्हें स्टूडियो मॉनिटर्स की और अकूस्टिकली ट्रीटेड रूम की, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे अकूस्टिक पैनल्स लगे हैं और भी पूरे स्टूडियो में काफी सारी ट्रीटमेंट हुई है, इन चीजों की जरूरत होती है म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए, बट दिस इज नॉट ट्रू। ये जरूरी है, मैंने भी तभी करवाया है और बाकी लोग भी तभी करवाते हैं, पर
आपको ये शुरुआत में नहीं चाहिए। आपको 2-4-5 लाख रुपए खर्च के अकूस्टिक ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत नहीं है अगर आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो। अब मैं बात करूंगा मेरी सेकंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट की जो मैंने करी है, जिससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। अगर मैंने ये नहीं करी होती तो शायद आज मैं इस लेवल पे नहीं होता, क्योंकि इस लेवल पे पहुंचने के लिए जहां पे मैं आज बैठा हूं, ऑब्वियसली बहुत आगे जाना है, अभी बहुत कुछ बचा है, अभी मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया है, बट अगर मैं खुद को खुद से कंपेयर करूं तो पिछले 4-5 सालों में मैंने बहुत ज्यादा ग्रो किया है इंडिविजुअली। मैं किसी और से खुद को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, और जो लेवल आज है मेरा वो आज से 4 साल पहले बिल्कुल भी नहीं था। और ये जो ग्रोथ है मेरी सेकंड और थर्ड बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो मैं आपको बताऊंगा, ये सिर्फ उन्हीं की वजह से है, क्योंकि उन्हीं की हेल्प के थ्रू मैंने बिना प्रोफेशनल स्टूडियो के, अभी तो खैर है बट जब नहीं था तो बिना प्रोफेशनल स्टूडियो के मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के लिए काम किया है, बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए काम किया है, अपना म्यूजिक, अपनी बीट्स, बहुत कुछ बनाया है। उसमें मेरी सेकंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट काम आई, जिसका नाम है ऑडियो इंटरफेस, या कई लोग उसे साउंड कार्ड भी कहते हैं। तो ऑडियो इंटरफेस बहुत जरूरी मैं मानता हूं अगर आप एक अच्छे हेडफोन्स यूज करेंगे जिसकी हाई इंपीडेंस होती है। हेडफोन्स के बारे में आगे बात करेंगे, तो अगर हाई इंपीडेंस के आप हेडफोन्स यूज करते हैं तो उन्हें एक अच्छा प्रीएम्प चाहिए होता है। कल को मान लीजिए आप स्टूडियो मॉनिटर्स लगाते हैं तो आपको उनको लगाने के लिए भी एक ऑडियो इंटरफेस चाहिए होता है। तो ये सेकंड चीज, अभी मैंने यहाँ पे सारे तारे हटा के डिस्कनेक्ट करा ऐसे आपको दिखाने के लिए, तो मैंने ये ऑडियो इंटरफेस खरीदा था, इसका नाम है ऑडियंट ID14, ये आप देख सकते हैं। अब इसका मार्क 2 भी अवेलेबल है मार्केट में, जब मैंने खरीदा था तो मार्क 2 अवेलेबल नहीं था, तब मार्क 1 ही आता था ऑडियंट ID14 का। तो ये एक्चुअली मेरी बहुत ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अब वो क्यों है वो तब पता चलेगा जब मैं आपको अपनी अगली इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा, और फिर इन दोनों के फायदे और नुकसान इकट्ठे बताऊंगा। इसके बाद मेरी जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें मेरे को बहुत ज्यादा रिसर्च, बहुत ज्यादा दिमाग और बहुत ज्यादा सोचना पड़ा था वो करने के लिए। बजट उस टाइम पे मेरा थोड़ा अच्छा था, अच्छा एज इन थोड़े पैसे मैंने खुद इकट्ठे किए थे, थोड़े मैंने अपने पेरेंट्स से लिए थे, और मेरे पास ऑप्शन था, मैं चाह रहा था स्टूडियो मॉनिटर्स खरीदने का, क्योंकि यूट्यूब पर भी देखा, काफी स्टूडियोज में भी मैं गया था काम करने और काफी चीजें करी मैंने लाइफ में। तो मेरा बहुत मन था कि मेरे पर्सनल स्टूडियो मॉनिटर्स हों स्टूडियो के अंदर, और मैं उन स्टूडियो मॉनिटर्स को सेटअप करूं, अपना एक छोटा सा होम स्टूडियो बनाऊं। सबका यही मन होता है राइट, अकूस्टिकली ट्रीटेड वॉल्स हों, रॉक वूल के पैनल्स हों, फोम्स लगी हों और मॉनिटर्स लगे हों, और मेरे आगे 2 स्क्रीन्स लगी हों जिसके ऊपर बैठ के मैं काम करूं। ये सबका ड्रीम होता है, एक जो स्टार्ट कर रहा है प्रोडक्शन उसका, जो बेडरूम प्रोड्यूसर्स हैं उनकी ये ड्रीम होती है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो था पहले, बट मैंने काफ़ी रिसर्च करी और ये देखा कि स्टूडियो मॉनिटर्स यूजलेस हैं अगर आपके पास करेक्ट रूम, अकूस्टिकली ट्रीटेड एनवायरनमेंट नहीं है उन्हें यूज करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा स्टूडियो मॉनिटर्स बेकार होते हैं, अब मैं उन्हीं पे ही काम करता हूं, बट अगर आपके पास अकूस्टिकली ट्रीटेड रूम नहीं है तो स्टूडियो मॉनिटर्स आपके लिए कोई काम नहीं करेंगे अच्छे से। इनफैक्ट आप अपना बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट कर दोगे मॉनिटर्स पे, फिर भी प्रोफेशनल आउटपुट अपने सॉन्ग्स में नहीं ला पाओगे। वो इसीलिए क्योंकि जब आप प्रोडक्शन करते हो, मिक्सिंग और मास्टरिंग करते हो, तो आप उस बेसिस पे करते हो कि आपको सुनाई क्या दे रहा है। आपके डॉ पे जो चल रहा है वो आपको स्पीकर्स के थ्रू सुनाई दे रहा है। जब आप मिक्सिंग करोगे तो आपको अगर किसी की वॉल्यूम ज्यादा या कम सुनाई दे रही है, रिवर्ब ज्यादा कम सुनाई दे रहा है, आप उस हिसाब से उसको अपने डॉ में एडजस्ट करोगे। पर अगर आपका रूम ही ट्रीटेड नहीं है अकूस्टिकली, तो आपके स्पीकर से जो आवाज निकलेगी वो आवाज बहुत जगह रिफ्लेक्ट होगी, रिवर्ब आएगा, तो आपको एक्स्ट्रा साउंड सुनाई देगी। या तो आपके रूम में बहुत सारी चीजें हो जो साउंड एब्जॉर्ब कर रही हैं। इन्वेस्ट ना करें स्टूडियो मॉनिटर्स में स्टार्टिंग में, ये वो चीज है जो आपको चाहिए बट आपको उसकी जरूरत नहीं है स्टार्टिंग स्टेजेस में। उसके बदले मैंने एक दूसरा ऑप्शन चूज किया, मेरा बजट काफी अच्छा था उस टाइम पे, तो जितने के मैं मॉनिटर्स खरीदने वाला था उतने के ही मैंने हेडफोन्स खरीद लिए। अब ये सुनने में बहुत क्रेजी है और जब मैं लोगों को बताता हूँ उनको सुन के लगता है भाई ये तो पागलों वाली बात कर रहा है, बट एक्चुअली वही चीज मेरे करियर का एक बेनिफिशियल पार्ट बनी और उसी की वजह से मेरे को बहुत ग्रोथ मिली। मैंने काफी प्रोजेक्ट्स किए और कोई नहीं बता पाता था उनको सुन के कि वो स्टूडियो में बने हैं या वो मैंने अपने बेडरूम में बैठ के अपने हेडफोन्स और ऑडियो इंटरफेस के अंदर कनेक्ट करके बनाए हैं। तो अब मैं बात करता हूँ मेरी तीसरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट की, जिसका नाम है हेडफोन्स। ये है मेरे हेडफोन्स का पैक, इसका नाम है बेयर डायनामिक, कंपनी का नाम है, और मेरा मॉडल है DT1990 Pro। ये हेडफोन्स जब मैंने लिए थे उस टाइम पे ये 50,000 रुपीज के थे, तो मेरे को कुछ 49,000 समथिंग के पड़े थे, 50,000 मान लीजिए। तो मैं 50,000 के ही स्टूडियो मॉनिटर्स खरीदने निकला था, पर मैंने अच्छा हुआ कि रिसर्च करी और वो 50,000 मेरे वेस्ट जाते, उसको यूज करने के लिए मुझे 2-3 लाख रुपए लगा के एकॉस्टिक ट्रीटमेंट करनी पड़ती। उसके बदले में मैंने 50,000 के हेडफोन्स खरीदे जिसने मेरे करियर को बहुत अच्छी शेप दी। अब मैं आपको एक बार हेडफोन्स खोल के दिखाता हूँ। ये है इसका बैग, ये आते हैं इसके अंदर हेडफोन्स, ये इसकी वायर है जो मैं इसे कनेक्ट कर सकता हूँ, बट मैं आपको अभी हेडफोन्स दिखाता हूँ निकाल के। और इसके अंदर और ये काफी सारी चीजें, ऐसे अलग से इसके पैड्स आते हैं, ये डिफरेंट पैड्स है अगर सुनने के लिए। एक एनालिटिकल पैड्स होते हैं और एक दूसरे टाइप के पैड्स होते हैं, उसके अंदर इनहांस्ड बेस आता है, तो
ये सब चीज़ें मिलती हैं आपको इसके साथ। और ये है इसका ट्रैवलिंग केस, अगर मैं इसको लेके कहीं ट्रैवल करता हूँ तो ये केस है, इसके अंदर मैं डाल के इसको सेफली कहीं भी लेके जा सकता हूँ। तो ये हेडफोन्स खरीदे थे मैंने जो थे उस टाइम पे 50,000 के, अभी भी आई गेस 2-4-5 हज़ार का फर्क होगा, बट ये अभी भी काफ़ी महंगे हैं हेडफोन्स। तो ये हेडफोन्स काफ़ी बेटर हैं, काफ़ी अच्छे हैं, ओपन बैक हेडफोन्स हैं। अगर आपको नहीं पता ओपन बैक क्लोज बैक या रेजिस्टेंस इम्पिडेंस क्या होती है हेडफोन्स की, अगर आप जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक वीडियो बनाऊँ। कमेंट करिएगा इस वीडियो के नीचे अगर आपको हेडफोन्स पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए। ओके, तो ये हेडफोन्स मैं अपने ऑडियो इंटरफेस से कनेक्ट करता हूँ, ऑडियो इंटरफेस को अपने लैपटॉप से या अपने सिस्टम से कनेक्ट करता हूँ, और फिर उसके बाद मैं हेडफोन्स में सुनता हूँ कि क्या चल रहा है, इसी पे ही प्रोड्यूस करता हूँ, इसी पे मिक्स करता हूँ, इसी पे ही मास्टर करता हूँ, और इसको मैं दूसरे गानों के साथ रेफरेंस करता हूँ ताकि मेरा प्रोडक्ट जो निकल के आ रहा है, जो मेरा सॉन्ग रेडी हो रहा है मिक्सिंग मास्टरिंग के बाद, वो प्रोफेशनल क्वालिटी का सुनाई दे। रेफरेंसिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे आप मॉनिटर्स में करें तो भी। अब आप ये कहेंगे कि मेरे को ऑडियो इंटरफेस की ज़रूरत क्या थी, मैं सिर्फ एक हेडफोन भी तो खरीद के सीधा डायरेक्टली लैपटॉप से सुन सकता था। अब जैसे इसकी वायर है, इसकी वायर के अंदर ही आगे बहुत बड़े वाला जैक लगा है, ठीक है। अगर मैं इसको खोल दूं तो ये हमारे अंदर नॉर्मल 3.5 mm का ऑक्स का जो जैक होता है वो मिल जाता है, जो मैं डायरेक्टली अपने लैपटॉप पे कनेक्ट कर सकता हूँ। ज़्यादातर लैपटॉप्स में, अब तो खैर शायद ऑक्स के जैक्स आने बंद हो गए हैं, बट ज़्यादातर लैपटॉप्स में अभी भी ऑक्स का जैक आता है। तो आप बेसिकली मुझे यही कहेंगे कि क्या ज़रूरत थी मुझे ऑडियो इंटरफेस खरीदने की अलग से, है ना, तो मैं क्यों खरीदूँ ऑडियो इंटरफेस डायरेक्टली हेडफोन्स को लगाऊँ। पर इसका आंसर ये है कि हेडफोन्स, इन हेडफोन्स की स्पेसिफिकली इम्पीडेंस ज़्यादा है। इम्पीडेंस का मतलब रेजिस्टेंस। ये बहुत थोड़ा टेक्निकल चीज़ों में आ जाता है और शायद मैं यहाँ पर इतनी डिटेल में वो नहीं बता पाऊंगा। इसको कैलकुलेट करते हैं ओम्स में। आप बेसिक भाषा में ये समझ लीजिए कि जितना ज़्यादा बड़ा ड्राइवर होता है हेडफोन्स का, ड्राइवर होता है हेडफोन्स के अंदर जो उसका हार्डवेयर लगा होता है जो साउंड जनरेट करता है, जितना ज़्यादा बड़ा ड्राइवर होता है, जितना ज़्यादा हार्डवेयर इंक्लूडेड होता है, उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है उसका मतलब कि सिग्नल कंप्यूटर से तो सही निकल रहा है लेकिन मेरे हेडफोन्स तक आते आते सिग्नल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, वीक हो जाता है, सुनाई नहीं देता है। तो हमें एक प्री एम्प या एक एम्पलीफायर चाहिए जो उसके सिग्नल को बूस्ट करे और वापस अच्छी क्वालिटी के ऑडियो को गेन देके हमें सुनाए। तो उसके लिए हमें एक अच्छा प्री एम्प चाहिए। अब प्री एम्प अलग से लेंगे तो अच्छी क्वालिटी, इसके मैंने बहुत रिसर्च करा, नहीं मिलते। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं एक अच्छा ऑडियो इंटरफेस लेता हूँ जो एनीवेज मुझे और काफ़ी काम आने वाला है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ऑडियंट आईडी 14 लिया, जो मैंने आपको बताया था। इसके अंदर ये वाला जो जैक है, ये हेडफोन्स का जैक है, इसके अंदर एनालॉग प्रीएम्प लगा है हेडफोन्स को सुनने के लिए। एनालॉग प्रीएम्प आर द बेस्ट प्रीएम्प्स, और इस बजट में ये आई गेस मैंने 25,000-24,000 का लिया था उस टाइम पे। अब इतने ही प्राइस में इसका मार्क 2 आ जाता है। तो इस बजट में एनालॉग प्रीएम्प्स हेडफोन्स के और कोई ब्रांड नहीं देता एक्सेप्ट ऑडियंट आईडी 14। तो मैंने ये लिया क्योंकि इसका जो आईडी बटन है ये काफ़ी अच्छे फंक्शंस देता है डॉ में यूज़ करने के लिए। तो मेरा वो पर्पस भी सॉल्व हो रहा है, मेरा हेडफोन्स का पर्पस सॉल्व हो रहा है। अगर मैं फ्यूचर में ख़रीदता हूँ स्टूडियो मॉनिटर्स, तो स्टूडियो मॉनिटर्स को कनेक्ट करने का पर्पस भी मेरा यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, राइट। इसी के अंदर स्टूडियो मॉनिटर्स कनेक्ट हो जाएंगे। ये मैंने उस टाइम पे सोचा था, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जब मैंने खरीदे थे उस टाइम पे ये सोचा था कि ऑडियो मॉनिटर्स यहाँ पे लग जाएंगे, स्टूडियो मॉनिटर्स, और अगर मैं माइक से रिकॉर्डिंग करता हूँ तो माइक की रिकॉर्डिंग्स भी इससे हो जाएंगी। यहाँ पे बटन है और यहाँ पे फैंटम गेन का ऑप्शन मिल जाता है। फैंटम गेन आप अपने माइक्स को दे सकते हो, और यहाँ पे और बहुत सारे फीचर्स है, टॉक बैक, बहुत फीचर्स है इसके अंदर। यहाँ DI इनपुट के अंदर आप अपने गिटार्स को डाल के उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हो। तो फिर मैंने सोचा कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट मेरे लिए ये होगी। मेरा हेडफोन्स का इशू तो उस टाइम के लिए सॉल्व हो जाएगा, फ्यूचर में और भी मैं कोई नई इन्वेस्टमेंट्स लूंगा उनके लिए मुझे कुछ नई चीज़ें खरीदने की जरूरत नहीं है। ये सारा पर्पस सॉल्व करेगा। और इसके अंदर मान लीजिए मैं और इनपुट देना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, दो माइक तो मैं यहाँ लगा सकता हूँ, लेकिन मैं अगर और माइक्स लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे ऑप्टिकल इनपुट दिख रहा होगा। अलग से आप ADAT प्रोसेसर ले सकते हैं, अलग से आपका एक ADAT ऑप्टिकल इनपुट ले सकते हैं, खरीद के इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप 8 इनपुट्स और दे सकते हैं, आप एक टाइम पे 10 इनपुट्स पूरा का पूरा बैंड इसके थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें देख के आए थॉट कि मेरे लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ये होगी। और सिर्फ इन दोनों को यूज़ करके अपने कंप्यूटर के साथ मैंने बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए काम किया है, और कई चीज़ें तो शायद मैं भी पब्लिकली बता भी नहीं पाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन है। और कुछ ब्रांड्स के बारे में आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ये है, यूज़र नेम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं कि किस किस के लिए मैंने काम किया है। आप मेरे सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके मेरे सॉन्ग सुन सकते हैं। अगर आप मेरा बीट स्टोर चेकआउट करना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको नीचे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, काफ़ी ईजी है, sargama.com/beats। तो वहाँ पर आप जाकर मेरी बीट सुन सकते हैं कि किस
क्वालिटी की है और मेरी जितनी भी वीडियोस में बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहा है ना अभी बहुत धीरे चल रहा है ताकि आप मेरी आवाज सुन सकें, पर वो जो म्यूजिक है वो एक्चुअली मेरी ही बीट्स है, वो मैं ओरिजिनली खुद से क्रिएट करता हूँ। तो ये सारा जो भी मैंने करियर में अचीवमेंट्स ली हैं या जो भी मैं आगे और लूंगा, तो इन सब के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ये तीन चीज़ें हैं, एक तो मेरा सिस्टम, दूसरे मेरे ऑडियो इंटरफेस, तीसरे मेरे हेडफोन्स। ज़रूरी नहीं है आपको ये 50,000 के हेडफोन्स खरीदने हैं, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है अच्छे हेडफोन्स खरीदना, हेडफोन्स के बारे में रिसर्च करना, ओपन बैक क्या होता है, क्लोज बैक क्या होता है, आपको कौन से हेडफोन्स चाहिए, आपका हेडफोन्स खरीदने का पर्पस क्या है, कितनी इंपेडेंस होनी चाहिए हेडफोन्स की और आप कौन सी इंपेडेंस का खरीद रहे हैं, अगर ज़्यादा इंपेडेंस है तो आपको कौन सा उसके लिए ऑडियो इंटरफेस लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इसके लिए आपके लिए वीडियो बनाऊं। और एक और चीज काफी मिसकंसेप्शन होता है मिडी के बारे में, मिडी कीबोर्ड के बारे में। अब आप जैसे देख सकते हैं पीछे यहां पर मेरा एक मिडी कीबोर्ड पड़ा है, ये एक्चुअली में मिडी कीबोर्ड नहीं है, ये प्रॉपर प्लेइंग कीबोर्ड है, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट वाला कीबोर्ड है। ये है यामाहा का PSR 950, काफी महंगा लिया था मैंने, और ये एक्चुअली प्लेइंग कीबोर्ड है। ये मिडी की तरह कनेक्ट हो जाता है, वो सारे पर्पस सॉल्व करता है जो मिडी करता है, एक्चुअली में सब कुछ करते हैं, आप मिडी रिकॉर्ड कर सकते हैं सिस्टम पे, पर ये एक्चुअली प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट है। ये मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, बट स्टिल मैं ये यूज करता हूँ। एक छोटा सा मिडी भी है मेरे पास, अभी वो शायद सामने पड़ा है कैमरा के पीछे तो मैं ला नहीं पाऊंगा, तो वो छोटा सा मिडी भी आर्टोरिया का मिनी लैब 3। तो ये दोनों मैं काफी यूज करता हूँ, पर स्टार्टिंग में मेरे पास ये थे नहीं। अगर आप कीबोर्ड प्लेयर नहीं है और आप प्ले करके रिकॉर्ड करना नहीं चाहते, आप जानते भी नहीं है, तो स्टार्टिंग में इनके ऊपर इन्वेस्ट करना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मिडी कीबोर्ड बाद में जब आप धीरे धीरे अपना करियर बढ़ाए, एक्सपैंड करें, अर्न करें मनी अपने पैशन के थ्रू और धीरे धीरे एक्सपैंड करना चाहें बिजनेस, मिडी कीबोर्ड, स्टूडियो मॉनिटर्स, अकूस्टिक ट्रीटमेंट, होम स्टूडियो, ये सारी चीजें बाद में भी आ सकती हैं, पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके एटलीस्ट अपना करियर स्टार्ट करें, प्रोडक्शन सीखें, हाई क्वालिटी आउटपुट्स बनाना निकालें ताकि लोग आपके पास आके आपसे काम कराएं, क्लाइंट्स मिले, आपके गाने थोड़े से चलें, आप थोड़ा सा फेम कमाएं, फिर जब इनकैशमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी फिर आप इन्वेस्ट करें और जो भी आप चीजें चाहते हैं धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, अपना स्टूडियो बनाते जाएं। ऐसे ही काम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग के ऊपर आपने 10 लाख रुपए लगा दिया और फिर आप वेट कर रहे हो कि पैसा कब आएगा आपके पास। सबसे पहले अच्छा आउटपुट निकालने वाले लोग दो चीजों में भी आउटपुट निकाल देते हैं, तो वही काम मैं सबको सजेस्ट करता हूं कि करें। और उसके बाद जब स्टूडियो बन जाएगा तो आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा काम करना, क्योंकि आपने हेडफोन्स के अंदर इतने हाई क्वालिटी चीजें बनाई हैं, तो जब स्टूडियो मिलेगा आपको तो आप और बेटर काम कर पाएंगे। और यही सब चीजें हैं, आई गेस ये है आज की वीडियो का टॉपिक हमारा। और अगर आप और कोई नई टॉपिक मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं या किसी पे वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बनाऊं। प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिएगा, लिंक आपको यहां मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए और मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करके आपकी क्वेरी को सॉल्व करूं। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में नेक्स्ट वीक, नई नॉलेज के साथ, नई इनसाइट के साथ। और तब तक प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। और जो भी मैंने इस वीडियो में बोला, अगर आपको इतना सा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, चैनल को ग्रोथ मिलती है, नई वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है बेसिकली। और डिस्कॉर्ड कम्युनिटी हमने बनाई है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर कोलैब्स, अपनी सॉन्ग की प्रमोशन कर सकते हो, आप फीडबैक ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, अनाउंसमेंट्स होती है, देयर इज़ अ लॉट। तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के लिए लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, और सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप मुझे डायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते हैं तो बाय मी अ कॉफी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नई नॉलेज, नई इनसाइट के साथ। तब तक बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।